सैयद शाह बाबा के सालाना उर्स शरीफ का आगाज शनिवार को परचम कुशाई के साथ हुआ। इस परचम कुशाई के ट्रस्ट के अध्यक्ष सिराज शेख, कांग्रेस हाजी रियाज शेख, नेता गिरीश पांडव, पूर्व उप महापौर सतीश होले, पूर्व नगर सेवक गुड्डू तिवारी, वाहतुक निरीक्षक अजनी रितेश अहेर और पुलिस उप निरीक्षक अंजनी थाना खंडारे सर उपस्थित हुए थे। यह उर्स शरीफ 7 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक बंजारी नगर में स्थित हजरत सैयद साहब राजबाग सवार दरगाह में बड़े उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। उर्स का आगाज शनिवार 7 अक्टूबर को परचम कुशाई यानी झंडा बंधन से किया गया। सैयद बाबा पंच कमेटी के अध्यक्ष शेख सिराज शेख रमजान की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस समय ट्रस्ट के अध्यक्ष सिराज शेख ने सभी को उर्स की बधाई दी। आज का परचम कुशाई से उर्स का आगाज हुआ है। हजरत बाबा सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह राजबाग सवार की दरगाह 200 साल से भी पुरानी है और यहाँ पे इनके चाहने वाले काफी है, तो इन चाहने वाले से निवेदन है कि आज संदल शरीफ है, शाम में कल न्याज है और 13 तारीख को भी कुल शरीफ की फातिहा उस दिन भी न्याज थी, तो सबने आके इसमें शिरकत हासिल करे। शुक्रिया। 7 अक्टूबर शनिवार को हजरत बाबा सैयद साहब की दरगाह से संदल शरीफ निकलेगा। संदल शहर का गश्त करता हुआ बंजारी नगर सैयद बाबा की दरगाह पर पहुंचा। इसके बाद यहां सलात और सलाम का नजराना पेश किया गया। इसके बाद कुल शरीफ की फातिहा और आम लंगर का भी आयोजन किया गया है और उर्स के दौरान यहाँ हर दिन बाद नमाजी जुहर कुरान खानी बाद नमाजी ईशा मिलाद शरीफ होगी। तारीख 13 अक्टूबर जुम्मा को सुबह 9 बजे कुल शरीफ की फातिहा होगी और अकीदत मंदों के लिए लंगर तकसीम किया जाएगा। दरगाह पंच कमेटी के अध्यक्ष शेख सिराज और उपाध्यक्ष दाऊद भाई शेख ने शहरवासियों और अकीदत मंदों से इस उर्स में ज्यादा से ज्यादा की तादाद में शिरकत करने का आह्वान किया है। उर्स की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और यहाँ पर आप लोगों से गुजारिश है, न्याज वगैरह का जो इत्तेमाम होगा उसमें आप शिरकत करके सवाबे धारण हासिल करें और इस उर्स को शांतिपूर्वक मनाए, कोई हो अल्लाह शोर शराबा ना हो, ऐसी मैं आप लोगों से विनती करता हूँ। धन्यवाद। हजरत सैयद साहब रहमतुल्लाह अलैह के सालाना उर्स पाक जो है शुरू हुआ परचम कुशाई के साथ में, मैं तमाम हाजरीन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग हुजूर बाबा साहब के मजार अकदस पर बहुत अच्छी तरीके से हाजिरी दीजिए और उम्मत के लिए जो दुआ कीजिए कि हम तमाम हजरात जो है अमन और शांति। हजरत बाबा सैयद साहब के ये उर्स पर मौजूद सभी तमाम मेरे भाइयों को मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और जैसे कि मैं अक्सर बताते रहता हूँ कि हमारा नागपुर शहर ये सर्वधर्म समभाव की प्रतिमा अगर कहीं दिखती है तो नागपुर शहर में दिखती है, फिर वो हजरत बाबा ताजुद्दीन का दरबार हो या हजरत बाबा सैयद साहब का दरबार हो, यहाँ पर हर धर्म के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख है, सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं और बड़े पैमाने पर यहाँ पर ये उर्स जो है अच्छा किया जाता है। इस साल भी यहाँ पर संदल का आयोजन हमारे भाई जो सिराज भाई जो है इनके माध्यम से ये प्रोग्राम बड़े पैमाने पर अच्छा किया जाता है और मैं मेरे ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे पहले तो हजरत बाबा सैयद साहब उर्स का सभी को मुबारकबाद और इतना अच्छा प्रोग्राम यहाँ होता है जो सिराज भाई साहब की फैमिली करती है, उनको भी उनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका भी आभार मानना चाहूँगा कि इतने अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक माहौल में बहुत अच्छी तरीके से इन लोग इस कार्यक्रम को निपटा दे हैं और इसका फायदा मैंने हजरत बाबा का जो आशीर्वाद है वो उनके तरीके से सबको मिलता है। हजरत बाबा सैयद साहब इनका 200 साल पूरा वाकिया है तो उनके उर्स 7 से 13 अक्टूबर है तो वो उर्स के लिए नागपुर शहर नागपुर ट्रैफिक पुलिस की तरफ से मैं शुभकामनाएं देता हूँ और शांति का एक मैसेज सभी भाइयों को देना चाहता हूँ और ट्रैफिकों के नियम का पालन करो, एक्सीडेंट से बचो और जो भाईजान की कोई एक्सीडेंट होता है तो उसको तुरंत आप मदद करो, यही मैं आपके गुजारिश करता हूँ। बच्चा वार्षिक उर्स निमित्त सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा। सर्व धर्म समभावाचं प्रतीक असलेल्या महाराजांचं भावांचं उर्स आहे, त्या सगळ्या दरवर्षी प्रमाणे शांततेने हा उत्सव पार पडेल अशी सगळ्यांना विनंती करतो। कार्यक्रम का संचालन रत्नाकर मुलिक ने किया।